आज आपको मैं फिर से वही जीरो आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ कहाँ और किस सिचुएशन में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। टू बी कंटिन्यूड, ओके। मैं उसी को अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी, और है उसमें थोड़ा बहुत पार्ट डिजीज। डिजीज से पहले कोई आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कोरोना हैज ब्रोकन आउट, कोरोना से पहले मैंने आर्टिकल का यूज नहीं किया क्योंकि ये डिजीज है। फेस्टिवल, फेस्टिवल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। टुडे इज जन्माष्टमी, ओके, नो आर्टिकल हियर। सीजन, आई लाइक विंटर, जितने भी विंटर, समर, स्प्रिंग, जो भी सीजन है उनसे पहले कोई आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ही लाइक्स क्रिकेट, ओके, ही लाइक्स बैडमिंटन, कोई जरूरत नहीं हमें किसी आर्टिकल को लगाने की इन सब नाउन से पहले। रिलेशंस, रिलेशन से पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मदर इज विद मी, मदर से पहले आर्टिकल का यूज मैंने नहीं किया है। मील्स, आई टेक डिनर, मील से पहले भी नहीं होता है। डिनर, ओके, लंच, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। मुझे उसी पार्ट पे जोर देना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ एक्सेप्शन है, अंडरस्टूड। अब देखिए यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है। अगर आपने कोई स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज किया है किसी के सम्मान में, अंडरस्टूड, या कोई स्पेशल पार्टी आप दे रहे हो, इट्स क्लियर, तब उस सिचुएशन में हमें आर्टिकल का यूज करना है। इट्स क्लियर। अगर आप जनरल सेंस में यूज करें, फिर वो आगे जनरल स्पेसिफिक की बात, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे टर्म, जनरल और स्पेसिफिक। जब जनरल बात कर रहे हैं तब तो मील से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन जब आपने मील को स्पेशल बना दिया, अंडरस्टूड, तब क्या होगा, हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। और वो किस सिचुएशन में, मान लीजिए आपने कोई स्पेशल मील ऑर्गेनाइज किया है, स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज किया है, स्पेशल लंच ऑर्गेनाइज किया है किसी के सम्मान में, अंडरस्टूड, उस सिचुएशन में हमें आर्टिकल का यूज करना ही है। देखिएगा, आई टेक डिनर, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन दोनों सेंटेंस में देखिएगा, आई वाज इनवाइटेड टू अ डिनर गिवन इन ऑनर ऑफ माय बॉस, मतलब मेरे बॉस के ऑनर में जो डिनर दिया था उसमें मुझे इनवाइट किया, दैट्स व्हाई आई पुट हियर आर्टिकल ए। नेक्स्ट, द डिनर इन दैट पार्टी वाज सम्प्टुअस, उस पार्टी में जो डिनर था बहुत ही सम्प्टुअस था, सम्प्टुअस मतलब बहुत ही टेस्टी था। इसलिए तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, द का यूज किया है। क्यों? क्योंकि जो डिनर है वो अब ये जनरल नहीं रहा, ये स्पेसिफिक हो गया, ओके। और जब जनरल से आप स्पेसिफिक बना दोगे तो क्या होगा, फिर आर्टिकल का यूज हमें करना ही है, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट, थोड़े से और रूल्स हैं, ओके, हैव पेशेंस, कंटिन्यू ज्वाइनिंग विद मी, ओके। नेक्स्ट, आप देखिएगा प्रॉपर नाउन, उसके बाद अगर एपोस्ट्रोफी है और फिर नाउन आ रहा है तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एपोस्ट्रोफी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है, इसको आपको अच्छी तरह समझना है, ओके। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मैं बोलूँ टीचर्स मीटिंग, और एक मैं कहता हूँ टीचर्स मीटिंग, जो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। चलो चलो एनीवे, वो टॉपिक अलग हो गया। तो कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन, उसके बाद एपोस्ट्रोफी है और फिर नाउन आ रहा है तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। देखिएगा, दैट इज जॉर्ज मोबाइल, जॉर्ज क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, ओके, नेम प्रॉपर। आपको मैं एक बार बता दूं कि आपको नाउन को अच्छी तरह समझना है, ओके। आर्टिकल पढ़ने से पहले आप नाउन को अच्छी तरह समझो, और नाउन का मैंने एक वीडियो बनाया उसको देखिएगा अच्छी तरह। That is George's mobile. यहाँ पर George ये क्या है? ये proper noun है, क्योंकि नाम है, और इसके बाद apostrophe फिर s लग रहा है और फिर noun आ रहा है, okay? इस situation में हमें कोई article नहीं लगाना। देखना ऐसे नहीं बोलोगे that is a George या फिर that is the George's mobile, दोनों गलत हो जाएगा। It's clear? Next one. If a common noun apostrophe और फिर noun, ये इसका exception, अगर common noun है, मान लीजिए proper noun जो common noun आ रहा है उसके बाद फिर apostrophe फिर noun आ रहा है, तब क्या होगा, तब हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। दैट इज ए डॉक्टर्स कार, क्या देखिए हमने क्या आर्टिकल लगाया, ए लगाया। क्यों? क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन है, डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन और फिर एपोस्ट्रोफी आ रहा है और फिर क्या रहा है, नाउन आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन है और उसके बाद एपोस्ट्रोफी फिर नाउन है तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना, किसी आर्टिकल का हमें यूज नहीं करना है। आप देखिएगा दोनों को अच्छी तरह समझना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिएगा एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन हो रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, और अगर वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है
तो हमें क्या लगाना है, ए और एन लगाना है, 100% ए और एन लगाना है। ओके, मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर एक्सेप्शन है, मैन एंड वुमन, ओके, और एक और मैनकाइंड, मैन एंड वुमन, ये जो नाउन है, इफ दे रिप्रेजेंट द होल क्लास इन जनरल सेंस, अगर जनरल सेंस में वो होल क्लास को रिप्रेजेंट कर, होल क्लास मतलब अपनी संपूर्ण जाति का वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंडरस्टूड, तब क्या होगा, हमें किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मैन इज अ सोशल एनिमल, वुमन इज मैन्स लाइफ पार्टनर। अब देखिए, मैन ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है, इसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों जो नाउन है वो पूरी अपनी जो है क्लास को क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक जनरल सेंस में पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन इज ए सोशल एनिमल, ओके, वुमन इज मैन्स लाइफ पार्टनर, वुमन क्या है, लाइफ पार्टनर होती है, एक जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड, ये पूरी जो प्रजाति है, वुमन प्रजाति है, उसकी बात है यहाँ पर, एक सिंगल वुमन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक मैन की बात नहीं हो रही, सबसे बात, और यहाँ पर मैन का मतलब क्या बता दूँ, मैन का मतलब यहाँ पर ह्यूमन काइंड से मतलब ह्यूमन बींग से मतलब है, अंडरस्टूड, जो पर्सन है, पीपल है, उनसे मतलब है मैन का मतलब, यहाँ पर वाइडर सेंस में यूज हो रहा है, मैन का मतलब सिर्फ मैन ही नहीं है, याद रखिएगा, ओके, क्लियर। अब देखिएगा, थोड़े बहुत एक दो तीन और बच रहे हैं, वो भी अभी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। सम पॉपुलर फ्रेजेस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इनके साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, पर्टिकुलर फ्रेजेज है, आप देखिएगा, बाई ट्रेन, बाई अ ट्रेन नहीं होगा, बाई कार, बाई अ कार नहीं होगा, एट होम, एट द होम नहीं होगा, याद रखिएगा, फॉर सेल, फॉर लीव, फॉर मर्सी, इन डेट, इन फेवर ऑफ, इन हैंड, अंडर कंसिडरेशन, अंडर प्रेशर, ऑन फुट, ऑन डिमांड, ऑन बिहाफ ऑफ, टू सेंड वर्ड, टू लूज हार्ट, इन ट्रेवल, इन ए ट्रेवल नहीं होता, बहुत लिखते हैं, ओके, आई एम इन ए ट्रेवल, ये एरर है, अंडरस्टूड, इन ए ट्रेवल, इन ट्रेवल, ये क्या है, फ्रेज है, याद रखिएगा, इन फ्रेज को आपको अच्छी तरह समझना है। अब नेक्स्ट देखिएगा, स्कूल, कॉलेज, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, अगर इनका यूज जिस पर्पज के लिए बने हैं उसी पर्पज के लिए हो रहा है तब तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन इनका पर्पज को अंडरस्टूड, हम दूसरे पर्पज के लिए इनका यूज कर रहे हैं, इट्स क्लियर, तब आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, स्टूडेंट कह रहा है आई गो टू स्कूल, ओके, जब स्टूडेंट स्कूल जा रहा है तो उसको आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए पेरेंट है, वो स्कूल जा रहा है उससे मिलने के लिए, तो क्या कहेंगे, आई गो टू द स्कूल टू मीट माई सन, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन क्या है, ऑफिस, ऑफिस इसका एक्सेप्शन है, अगर मान लीजिए ऑफिस में, ऑफिस का यूज उसी पर्पज से हो रहा है तो भी क्या होगा, इन द ऑफिस या फिर एट द ऑफिस, ओके, वेयर आर यू नाउ, आई एम इन द ऑफिस, ओके, या फिर आई एम एट द ऑफिस, ये इसका एक्सेप्शन है, अंडरस्टूड। अब देखिएगा, नाउन कमिंग इन पेयर्स, कुछ नाउन जो पेयर्स में आते हैं, अंडरस्टूड, तब भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। देखिएगा, डोर टू डोर बहुत यूज करते हैं, ओके, दैट बैगर इज बैगिंग डोर टू डोर, ओके, आई एम गोइंग टू डोर टू डोर टू सीक हेल्प, ओके, तो डोर टू डोर यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज ऐसे नहीं बोलोगे, डोर डोर टू ए डोर या फिर ए डोर टू ए डोर, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा जब इस तरह से आते हैं नाम, कैसे, पेयर्स में आते हैं, हाउस टू हाउस, मैन टू मैन, विलेज टू विलेज, ओके, इस सिचुएशन में किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब ये आर्टिकल का जो है चैप्टर है यही एंड होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, लेकिन इसको आपको बार बार रबअप करना है, अंडरस्टूड, ये बहुत जरूरी है, और इसकी प्रैक्टिस करो, मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स है मैन परफेक्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट, और टेक केयर, नाउ कोरोना इज रैपिडली प्रोग्रेसिंग, रैपिडली ग्रोइंग अप, सो प्लीज डोंट कम आउट अंटिल इट इज नेसेसरी, थैंक यू सो मच।